पास कालाडेरा में स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कालाडेरा थाना पुलिस आग लगने के कारणों की अब जांच कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश कुमावत जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले जानना चाहूंगी आग कैसे लगी? जो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन दमकल कर्मियों का जो कहना है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आग इस फैक्ट्री के अंदर, ये प्लाईवुड के अंदर लगी है। ताकि जो अभी जांच का विषय है कि आग के जो कारणों का जो है वो जांच में ही सामने आएगा कि आग किस कारण से लगी। जी जी दिनेश, तो क्या कुछ नुकसान होने की खबर बताई जा रही है? देखिए, आज करीबन सुबह 5 बजे के लगभग यहाँ इस फैक्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र में है, उसमें आग लगी थी। मजदूर वहाँ पे, जो मजदूर थे उन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग, चूंकि इसमें लकड़ी का काम होता है, प्लाईवुड का काम होता है, इस वजह से आग तुरंत ही काफी दूरी में फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ पे कालाडेरा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से एक दमकल मंगाई गई और 3 दमकल जो है चौमुसे यहाँ पे भेजी गई। तो 4 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो आग के जो नुकसान का जो है वो आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि नुकसान का जो आंकलन है, जब तक कि फैक्ट्री मालिक अपना रिपोर्ट नहीं संभालेगा तब तक ये रिपोर्ट जो है वो नहीं आ सकता, लेकिन लाखों का जो है नुकसान का आंकलन मान करके अभी चला जा सकता है कि लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। जी दिनेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मकराना में एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार चालक आरोपी की दीवार से जा टकरा गया। हादसे के बाद लोग कार सवार को पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे। बता दें कि जिनसे बचने के लिए कार सवार ने आरोपी के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मकराना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर उपजिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया है और कार को हटवा कर मार्ग पर यातायात शुरू करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें, कार चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। हालांकि कार चालक ने अपने बचने की कोशिश भी की, आरोपी से वहां उसने छलांग भी लगाई, लेकिन मौके पर ही कार चालक की मौत हो गई।